हाय एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। एंड एज यू ऑल नो, आज आप सबका पेपर टू एजुकेशन का एग्जाम था शिफ्ट वन में, सुबह 9 से 12 बजे। उसका एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां पर स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आए थे कि कौन कौन से यूनिट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, आई होप सो आप सबने वो एनालिसिस देख लिया है। अब उसी एनालिसिस के बेसिस पर, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में भी टेलीग्राम पर हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड देवर एबल टू रिकॉल कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो येस, आई हैव ब्रॉट सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जून 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी तैयारी और अच्छे से हो। एंड इनफैक्ट अभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं, उन्हें पता चल जाए कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के क्या आंसर थे। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर यू ऑल। तो डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आज के सेशन में। सो लेट्स बिगिन। 8th of December का ये आपका एग्जाम था, एक सिंगल शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ है। जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिकॉल कर पाए हैं, उसके बेसिस पर अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस थे इन योर एग्जामिनेशन। सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं अबाउट द मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो ऑप्शंस देखो हमारे पास क्या क्या है। द मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी वॉज प्रपोज बाय विक्टर व्रूम। किसने प्रपोज करी है ये थ्योरी? विक्टर व्रूम ने प्रपोज करी है। देन द ग्रिड इज अ 9x9 मैट्रिक्स एंड डिस्क्राइब्स 81 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ग्रिड क्या है? आपकी 9x9 की मैट्रिक्स है एंड इट डिस्क्राइब्स 81 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ऑल राइट, फिर 1x1 ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज एम्पावरिश्ड एंड शोज लो कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। जैसा कि मैनेजीरियल ग्रिड मॉडल के बारे में आपको पता है कि वहां पर क्या होता है, हमारे पास एम्पावरिश्ड स्टाइल है। एम्पावरिश्ड स्टाइल कौन सा होता है? जहां पर जो हमारे मैनेजर हैं या फिर जो हमारे सुपीरियर हैं, उन्हें कंसर्न नहीं होती है, ना ही एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज का भी कंसर्न यहाँ पर जीरो होता है। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यानी कि जो आपको रिजल्ट देना होता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका जीरो है। तो ये एम्पावरिश्ड यानी कि कमी होना, एम्पावरिश्ड स्टाइल होता है। देन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टीम स्टाइल होता है जो सबसे अच्छा होता है, टीम लीडरशिप स्टाइल। 9x9 यहाँ पर स्कोर रहता है मैट्रिक्स पर, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाईएस्ट रहता है, एम्पावरिश्ड का जस्ट उल्टा। अब यहाँ पर हमारे पास मिडल भी आता है, मिडल स्टाइल यानी कि अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज, अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत ध्यान दोनों की तरफ रहता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल हमने यहाँ पर देखे हैं। सो अब इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यस, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑफ कोर्स इट इज इनकरेक्ट, विक्टर व्रूम का ये आपका नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्रिड इज अ 9x9 मैट्रिक्स एंड डिस्क्राइब्स 81 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, क्योंकि 9x9 है यहाँ पर आपके डिफरेंट स्टाइल्स। अगर हम देखें, वैसे हम मेजरली 5 इसमें लीडरशिप स्टाइल देखते हैं, बट अगर हम डिटेल में देखें या फिर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर चेक करें, तो 81 लीडरशिप स्टाइल हमारे निकल कर आते हैं। मेजरली 5 लीडरशिप स्टाइल से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। 1x1 ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज एम्पावरिश्ड, जहां पर कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन इज लो। अब आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि विक्टर व्रूम तो नहीं है, है ना? व्रूम की थ्योरी तो नहीं है, ये साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे, व्रूम की थ्योरी नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ मैनेजीरियल ग्रेड किसने दिया है। इनफैक्ट Yes. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आंसर भी है। ओहो, ब्लेक एंड मोर्टन का मैनेजीरियल ग्रेड है हमारा, इट वॉज गिवन इन 1964। वरना तो कमेंट सेक्शन में आपको अभी इसका आंसर बताना था। ऑल राइट देन,
नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गागनेस हायरार्किकल मॉडल ऑफ लर्निंग। हायरार्किकल मॉडल ऑफ लर्निंग का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था। हायरार्की जहां पर हमारे पास 8 लेवल्स होते हैं ऑफ लर्निंग, और वहीं जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सब बताओ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में फटाफट से मेरे को बताओ कि गागने के दूसरे मॉडल का नाम क्या है, गागनेस व्हाट, और उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन दैट मॉडल, ये भी आप लोगों को मेरे को बताना है। ठीक है, ये तो 8 लेवल्स होते हैं गागने की, किसमें, हायरार्की ऑफ लर्निंग। यहां पर हम लोएस्ट नीड से शुरू करते हैं, लोएस्ट 4 नीड्स आपकी बिहेवियरल नीड्स होती हैं, बिहेवियर को यहां पर टारगेट किया जाता है, और वहीं जो आपकी टॉप 4 होती हैं ये आपकी होती है कॉग्निशन नीड्स, कॉग्निशन लेवल आप बोल सकते हो, नीड्स भी नहीं कॉग्निशन लेवल। ठीक है, तो अब आपको इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था। यू हैड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन। सो यस, यहां पर हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, यहां पर हमारा ऑर्डर हो जाएगा स्टार्टिंग विद सिग्नल लर्निंग, सबसे बेसिक, फिर उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इनफैक्ट हमने ये क्वेश्चन कल वाले मॉक टेस्ट में भी किया था, देन विल बी हैविंग डिस्क्रिमिनेशन, फिर आगे बढ़ेंगे रूल लर्निंग, और हमारा हाईएस्ट लेवल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज योर हाईएस्ट लेवल। जहां पर आपके लोएस्ट 7 लेवल्स जो हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, सो दिस इज योर हाईएस्ट लेवल, और सबसे लोएस्ट लेवल है आपका सिग्नल लर्निंग, ऑलराइट। चलो अगला सवाल देखते हैं, विच फेज ऑफ द आईडी मॉडल डील्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, लेसन प्लानिंग एंड मीडिया सिलेक्शन। आईडी मॉडल की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, दिस इज योर आईडी मॉडल, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज, D stands for design, then again development, implement and evaluate. ये आपके steps है ADDIE model के। अच्छा, tell me in the comment section who, where was or who developed ADDIE model? ADDIE model किसने develop किया गया था? कहाँ develop हुआ था? किसने develop किया था? Tell me in the comment section. Comment section में बताओ ADDIE model के developer कौन थे? So yes, कौन से step में आपको लगता है learning objectives, content, subject matter analysis, lesson planning, media selection, ये सब कुछ handle किया जाएगा? Then yes, ADDIE model के आपके 5 phases already screen पर थे। तो जब हम बात करते हैं design phase की, analyze, design, develop, implement, evaluate. So when we talk about design phase, तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा अपना जो matter है कि हम कैसे उसे present करेंगे using technology, वो हम decide करते हैं। So design phase deals with learning objectives, content, subject matter, कि आपने objectives set कर लिए, आपका content क्या होगा, subject matter क्या होगा, कितने depth में वो subject पढ़ा जाएगा, lesson planning कैसे होगी, media selection, ये सब कुछ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ students confused हो जाएंगे कि मैम assure model होता है lesson planning के लिए, तो assure model specifically हम lesson planning के लिए use करते हैं because it pays attention to each and every learner's needs. नीड्स पर वहां पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए एश्योर मॉडल ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट ADDIE इज आल्सो अ गुड एंड सिस्टमैटिक मॉडल। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, सिप मॉडल वाज डेवलप्ड बाय डैनियल स्टफलबीम एंड हिज एसोसिएट्स इन 1960s। स्टेटमेंट 2, सिप इज द एक्रोनिम फॉर कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, किसने डेवलप किया है, स्टफलबीम ने किया है उनके एसोसिएट्स के साथ 1960s में,
और सिप की फुल फॉर्म आपको दी गई है कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सिप मॉडल दैट इज यूज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज वेल एज करिकुलम इवैल्यूएशन. दोनों के लिए यूज किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस चीज का एग्जाम्पल है? सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड एज ASD. अब ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें देखो बीच में क्या वर्ड आ रहा है, स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम यानी कि आपके पास एक पूरी लेंथ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आपको देखने को मिलते हैं. एक सिंपल, एक लौता कोई डिजीज नहीं है. ठीक है, जैसे हम सिंपली डायबिटीज की भी बात करते हैं तो डायबिटीज भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज. तो ये तो पूरा स्पेक्ट्रम है. आपके पास पूरी की पूरी रेंज होती है ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है. तो हम जनरली बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. सो यस, इट इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो बच्चों में दिखने लगती है जैसे वो 5-6 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं. तो इतनी एज तक उनमें ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है ये दिखने लगता है. सो सोशल कम्युनिकेशन में, इंटरैक्शन में बिहेवियरल चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी किसी से फ्रीली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, सोशली मिक्स नहीं हो पाएंगे. और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेल कर जाते हैं इन दी प्रोफेशन दे गो इनटू. बट यस, इंटरैक्शन में, कम्युनिकेशन में, फ्री एक्सप्रेशंस में, और प्लस कभी कभी उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी डेंजरस भी हो जाती है. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो ये जो चीज़ है ना उससे उन्हें प्रॉब्लम आती है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कौन सी टेक्निक है जो कवर नहीं होती है अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो आज आपका इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिकमेंडेशंस मेड बाय कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन की कौन सी रिकमेंडेशंस है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन स्कूल एंड नेबरहुड स्कूल सिस्टम, फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स टू स्टूडेंट्स, इंक्रीज द यूज ऑफ ICTs इन क्लासरूम. अब ये 5 स्टेटमेंट्स थी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कोठारी कमीशन में दी गई थी. सो यस, स्टेटमेंट 1 देखते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन स्कूल एंड नेबरहुड स्कूल सिस्टम. कॉमन स्कूल सिस्टम की बात किसने करी है? CSS. यस, कॉमन स्कूल सिस्टम, CSS, कोठारी कमीशन. नेबरहुड स्कूल की बात करी गई है. उसके अलावा फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेज ये हटा दो. जेंडर सेंसिटाइजेशन, यस. प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स, बिल्कुल. इंक्रीज द यूज ऑफ ICTs इन क्लासरूम, उस टाइम तक नहीं है ना, काफी जल्दी हो गया ये रिकमेंडेशन तो उस 1960s के हिसाब से. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यस, ये स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन. ऑलराइट, सो ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था. जहां पर मैंने कोशिश करी है कि जो भी, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम दी स्टूडेंट्स उसका कंसेप्ट जो है वो आप सबको क्लियर करवाया जाए. क्या करेक्ट आंसर वहां पर हो सकता था, क्या करेक्ट आंसर वहां होना चाहिए ये आपको बताया जाए. एंड इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए जून की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी प्रॉपर आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या उसके करेक्ट आंसर्स हैं. सो दिस वॉज माई अटेम्प्ट ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे. एंड यस, अगर आप फ्री PDF एंड क्विजेस चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो 2024 के लिए, दिस इज द QR कोड ऑन योर स्क्रीन. आपको सिंपली इसे स्कैन करना है एंड यू विल हैव द फ्री PDFs एंड क्विजेस विद यू. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. दिस इज मी ज्योति कुंडू, योर पेपर 2 एजुकेशन फैकल्टी, टेकिंग योर लीव. थैंक यू सो मच.